एजुकेशन न्यूज 24 जिला बुरहानपुर से हम हमारे शहर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी और सुशीला भैया के घर आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं इस एक महीने के लॉकडाउन के अंदर भैया ने क्या क्या लोगों की समस्याओं को हल किया है और क्या क्या लोगों की परेशानियों को दूर किया है। आइए हम हमारे विधायक जी से जानते हैं। इस पूरे लॉकडाउन के अंदर भी लगातार लोगों से मिल रहा है, क्षेत्र में घूम रहा हूँ और अदानी कलेक्टर और एसपी से भी मेरी तकरीबन रोज बात होती है और 3 बार मीटिंग हो चुकी है कलेक्ट्रेट में, कल भी मीटिंग है। और जो भी लोगों की समस्या, खासकर अनाज की, डेली रूटीन के काम की, उस पर भी चर्चा होती है। और खासकर हमारा एक ही पहले पॉइंट रहता है कि किसी तरह भी ये डिजीज हमारे क्षेत्र में ना, उसकी बोली हम लोग ताकत से मेहनत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों बुरहानपुर आने दे रहे हैं, बुरहानपुर के अंदर लॉकडाउन के टाइम पूरा सील कर रहे हैं, अशोकगढ़ से लेके इधर महाराष्ट्र के साइड से कोई भी हमारे शहर में बिना नोटिस के, बिना पहचान पत्र के या बिना कोई परमिशन के बुरहानपुर शहर में ना, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और वह स्ट्रिक रखा गया है। चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में और बड़ा ही सजग है और एक एक बात शहर की एक एक तकलीफों को, एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे कि प्रशासन भी अलर्ट रहता है इनकी न्यूज से और जानकारी भी मिलती है आम लोगों को। मैं ये और से इनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन न्यूज के लिए और मैं चाहता हूँ कि आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 जिला बुरहानपुर से HM गोटेवाला।